हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का नोटिस रिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट हैं, देख लेते हैं डिटेल्स रिगार्डिंग टीचिंग पोजीशन एडवर्टाइज्ड। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है और 3 अक्टूबर 2024 को वैकेंसी आई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10 ऑफ सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स इन द वेरियस डिपार्टमेंट। द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट क्या है, 24 अक्टूबर 2024। और फॉर्म कब से भरने चालू हुए, 3/10/2024 से, और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज इन द, अगर ये 3 को हुई है तो 2 हफ्ते का समय दिया गया है, या लास्ट डेट 24 है, ठीक है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, अफ्रीकन स्टडीज़ में कितनी सीटें हैं, टोटल 1, और वो सीट है OBC कैटेगरी के लिए। एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीटें हैं टोटल, 2 सीट OBC, 1 EWS। डॉक्टर BR अंबेडकर रिसर्च सेंटर फॉर माइक्रो मेडिकल रिसर्च, 2 सीटें हैं, 1 OBC और 1 EWS। बुद्धिस्ट स्टडी के लिए 1 सीट है, वो अनरिजर्व के लिए। केमिस्ट्री के लिए 2 सीटें हैं, 1 अनरिजर्व, 1 SC। कॉमर्स के लिए 2 सीटें हैं, दोनों सीटें EWS कैटेगरी के लिए हैं। कंप्यूटर साइंस 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। ईस्ट एशियन स्टडीज़ में 5 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व, 1 SC, 2 OBC। इकोनॉमिक्स में 2 सीटें हैं, 1 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए। एजुकेशन में 1 सीट है, वो अनरिजर्व के लिए। इंग्लिश 2 सीटें, 1 अनरिजर्व, 1 OBC। फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 सीट है, 1 अनरिजर्व के लिए। ज्योग्राफी में 1 सीट है, वो 1 सीट PH कैटेगरी के लिए है, यहाँ पर OBD SLD कैटेगरी के लिए, ठीक है, और 1 सीट अनरिजर्व। ओके, ज्योग्राफी में 2 सीट है, 1 अनरिजर्व और 1 PWD कैटेगरी में। जियोलॉजी में 2 सीटें हैं, 1 अनरिजर्व, 1 OBC। जर्मन एंड रोमांस स्टडीज़ हैं, जर्मनिक एंड रोमांस, हाँ रोमांस ये, ठीक है, इसमें कितनी है, अच्छी खासी सीटें हैं रोमांस की स्टडी में, ठीक है, 11 सीटें हैं, 6 अनरिजर्व, 2 SC, 2 OBC और 1 EWS। अच्छा कोर्स है जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़, अच्छी खासी वैकेंसी है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अच्छा मौका है, ठीक है। हिंदी में 1 सीट है, वो EWS के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन 2 सीटें, दोनों अनरिजर्व। लॉ में 32 सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें हैं, 14 अनरिजर्व के लिए, 4 SC, 1 ST, 9 OBC, 2 EWS, 2 PWD, जिसमें 1 VI और 1 LD, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें लॉ में हैं, 32 सीटें, ठीक है। मैनेजमेंट स्टडीज 7 सीटें हैं, 2 SC, 1 ST, 3 OBC, 1 EWS। माइक्रोबायोलॉजी 1 सीट है, वो SC कैटेगरी के लिए। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्टडीज 5 सीटें हैं, 1 UR, 2 SC, 1 ST और 1 PWD, इसमें LD कैटेगरी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। म्यूजिक में 5 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व, 2 ST और 1 PWD, जिसमें VI के लिए है। ऑपरेशनल रिसर्च 3-4 सीटें हैं, 1 अनरिजर्व, 1 OBC, 1 EWS, 1 LD, यहाँ भी अच्छी पोस्ट है। पर्शियन 2 सीटें हैं, 1 UR और 1 SC। फिलोसफी में 1 सीट है, वो OBC कैटेगरी के लिए है। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स 4 सीटें हैं, 1 अनरिजर्व, 1 ST और 2 OBC। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें OBC के लिए हैं और 2 ही हैं टोटल। साइकोलॉजी
दो सीटें हैं, एक ओबीसी के लिए और एक पीएच कैटेगरी में वीआई के लिए। संस्कृत में दो सीटें दोनों अनरिजर्व के लिए हैं। सिलेवोनिक एंड फिनो उगेरियन स्टडीज़ दो सीटें, एक अनरिजर्व और एक एसटी। सोशल वर्क एक सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। स्टेट्स एक सीट है टोटल अनरिजर्व के लिए। वुमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट सेंटर एक सीट है अनरिजर्व। जूलॉजी तीन सीटें हैं, एक एससी, एक ओबीसी, एक एलडी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो टोटल 116 पोस्ट हैं, जिसमें से 44 अनरिजर्व, 15 एससी, 7 एसटी, 32 ओबीसी, 10 ईडब्ल्यूएस और 8 लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये पूरा 116 सीटों का ब्यौरा है। नोट दे रखा है, फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी, वीआई, एलडी, एचआई एंड ओबीडी कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी डेट इज यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में अप्लाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अनरिजर्व एससी ये फुल फॉर्म दे रखी है। ठीक है, ओबीडी का अदर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये अदर मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए एक तरह से। ठीक है, ओबीडी अदर बेंचमार्क डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये है। ठीक है, फर्दर ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज इन मल्टीलिंगुअल डिपार्टमेंट्स, जिसमें ईस्ट एशियन स्टडीज चाइनीज़ में दो सीट हैं, एक अनरिजर्व एक ओबीसी, जापानीज में तीन हैं, एक अनरिजर्व एक एससी एक ओबीसी, जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज इसका काफ़ी बोलबाला है। ठीक है, फ्रेंच में दो सीटें हैं, एक ओबीसी एक ईडब्ल्यूएस, जर्मन छः हैं, चार अनरिजर्व एक एससी एक ओबीसी, इटालियन दो सीटें हैं, यूआर और एक एससी, पुर्तगीज एक सीट है अनरिजर्व, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बंगाली दो सीटें हैं, एक पीडब्ल्यूडी एलडी और एक एससी, मलयालम एक सीट है एससी के लिए, मणिपुरी एक सीट है एसटी, एक सीट है यूआर अनरिजर्व के लिए उड़िया में, स्लोवेनिक एंड फिनो उगेरियन स्टडीज़ रशियन एक अनरिजर्व एक एसटी। ठीक है, तो ये पूरा ब्यौरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से था। अच्छी खासी वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।